इस वीडियो के अंदर में आपको स्कूल के अंदर बच्चों को किस नियमों का पालन करना है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे नियम बताए गए। तो सबसे पहला जो नियम है, मास्क पहनना अनिवार्य है। स्कूल में जाते हैं तो बच्चों को मास्क हमेशा पहनना चाहिए। उसके बाद सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कम बच्चे से 4 फुट की दूरी बना के रखेंगे। स्वयं की सफाई का ध्यान स्वयं रखना है, यानी हमें स्वस्थ रहना है। एक दूसरे की वस्तुओं का लेन देन नहीं करना है, जैसे खाना, पानी, पेन, पेंसिल इत्यादि। अनावश्यक इधर उधर घूमना नहीं है। एक बार में एक ही छात्र शौचालय का उपयोग करने जाएगा। अपने पानी की बोतल स्वयं घर से ही भरकर लाना है तथा स्वयं ही उपयोग करना है। हाथों की सफाई का खास ध्यान रखना है। किसी छात्र को सर्दी, खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो तो यह विद्यालय नहीं आएगा। यदि कोई छात्र बस, ट्रेन, ऑटो परिवहनों का उपयोग अलग अलग स्थलों से स्कूल आते हैं तो अन्य विद्यार्थियों के संपर्क में नहीं आएंगे। जैसे ही स्कूल से विद्यार्थी छूटता है तो वो उधर उधर न घूमे, सीधे अपने घर जाएंगे। मोबाइल फोन लाना मना है। तो यही सब जो नियम है वो हमने तैयार किए हैं और नोटिस बोर्ड पर लगाया है। तो यही सारे नियमों को हम सबको भी यूज़ करना है, निर्देशों का पालन करना है, स्वच्छ रहना है और कोरोना से खास बचना है। हेलो दोस्तों, आज से स्कूल चालू हो गया है और बहुत सारे जो नियम है उसको हमें फॉलो करना है। तो स्कूल के अंदर तो बहुत सारे नियम है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ज़मीन के ऊपर सर्कल किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि डिस्टेंस रखना है और ज़मीन के ऊपर वाइट कलर के सर्कल तैयार करने हैं। तो वो सर्कल हम किस तरह से तैयार करते हैं, उसके ऊपर किस तरह से पेंट करते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक राउंडर है जो ज्योमेट्रिकल कंपास बॉक्स आता है, स्टेशनरी के दुकान पर आपको मिल जाएगा। तो मेरे पास ये पहले से ही है। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे चौक है वो फिट कर दिया है और ये राउंडर की मदद से मैं थोड़ा ओपन करूँगा इतनी साइज़ का। आप चाहे वो जितना बड़ा सर्कल करना चाहो उतनी बड़ा सर्कल आप कर सकते हो। और ज़मीन के ऊपर मैं इस तरह से रखूँगा और लाइन कर दूँगा चौक की मदद से। इस तरह से हम अलग अलग शेप तैयार कर सकते हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट ने बोला है कि राउंड सर्कल का ही इस्तेमाल करना है, तो मैंने इस वीडियो के अंदर चौक की मदद से राउंड सर्कल करना ही सिखाया है। अब एक सर्कल हो जाने के बाद कम से कम 4 गज की दूरी रखना है और उसके बाद दूसरा सर्कल हम तैयार करेंगे वापस। तो यही राउंडर की मदद से हम तैयार करेंगे। आप जितना चाहो उतना छोटा बड़ा सर्कल तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे छोटे सर्कल दिखाने के लिए तैयार की है। बाद में मैं उसको पेंट करके और अच्छी तरह से We'll be right back.
We'll be right back.